ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। मैं बाद में दे दूं। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। हम परिवार है हमारा, और हमारे साथ बड़ा दुखद, लेकिन वो दो झापड़ वही केवल मारे होते तो ये समझ में आता, लेकिन उन्होंने कहा कि मरवाया, ये दुखद है। हमारे माता पिताजी बुजुर्ग हैं, वो लोग सदमे में हैं। हमारे माताजी पिताजी दो तीन दिन से काफ़ी परेशान हैं लोग। हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटेगी, इसकी सारी जिम्मेदारी देवरिया सांसद डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी का हम कहेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर पार्षद को धमकाने और उससे अभद्रता करने का आरोप लगा है। पार्षद का कहना है कि वो देवरिया में समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मोहन सिंह की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा था, जबकि रमापति राम त्रिपाठी ने सभासद को विरोध करने से मना किया। पार्षद के आरोपों के मुताबिक सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने उसे धमकाया और मामले से हट जाने के लिए कहा। आरोपों के मुताबिक सांसद ने प्रस्ताव वापस लेने का भी दबाव बनाया और ऐसा न करने पर शयन में न रहने देने की धमकी दी। कुछ दिन पहले अंधेरे में मोहन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई, रात के अंधेरे में, और उनके नाम से ऑडिटोरियम का नाम भी लिख दिया गया था, बाबू मोहन सिंह सभागार। इस पे हम लोग आपत्ति जताए हैं। कौन कराया, मोहन सिंह किसने लिखवाया था? अब ये हमको जानकारी नहीं है, ये शासन प्रशासन या कहीं ना मिला होगा तभी तो रखा गया था। रात के अंधेरे में रखना ही था तो दिन में रखे होते, और उनसे भी हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमारा प्रस्तावित है और अन्य जगह उनको कोई उससे बड़ा ऑडिटोरियम बना के उनके नाम से रख दिया जाता, कोई आपत्ति नहीं था। सांसद जी कह रहे थे कि ठीक है ये लिख कर दे दो कि गलती बस ये हो गया है, तो हम कहें बाबू जी ये सदन का मुद्दा है और अकेले हमारा मामला नहीं है, ये नगर पालिका संविधान का मामला है और इसमें हम पीछे नहीं होंगे और इसमें हमारी प्रतिष्ठा लगी है। तो उन्होंने कहा कि तेज आवाज़ में बोला कि कितना किसका प्रतिष्ठा है हमसे बेहतर नहीं पता है कि क्या किसकी कितनी औकात है। तो हम कहें कि बाबू जी इस मामले में तो हमारा औकात है और प्रतिष्ठा है। उसी बीच में मुन्ना सिंह वहाँ बैठे थे और हम वो भी तेज बोले, हम भी तेज बोले। मुन्ना सिंह बोले कि भाई थोड़ा आवाज़ नीचे करके बोला, वो तो तक नहीं पता चल कि कैसे बतियाओ तड़ा। तो हम उनसे बोले कि तू के हुआ, ना पार्टी के कार्यकर्ता हुआ ना ही कोनो हमारा मेम्बर हुआ। तो उसके बाद से वो ये खड़े हो गए। सांसद जी बोले कि भाई क्या चीज़ है कि मुन्ना तुम चुप रहो, एक बार बोले वो। तो हम कहें कि बाबू जी इनका बोलना उचित नहीं, या तो इनको हटा दीजिए नहीं तो विवाद बढ़ जाएगा। फिर उस पर झनक के वो बोले कि विवाद क्या बढ़ जाएगा जी, क्या कर लोगे। हम कहें कि बाबू जी ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संविधान का विषय है, नगर पालिका संविधान का विषय है। क्या चाहते थे, क्या किया आप सर, ये बताएं। जैसे हम ये बताए कि भाई वो उस पर बोले, वो हम बोले कि नहीं हटेगा, वो चाह रहे थे कि बाबू श्री मोहन सिंह जी का नाम रहे और हम चाह रहे थे कि अटल जी का नाम रहे। इसी बीच में मुन्ना सिंह ने खड़ा होकर, जब मैंने बोला कि तेज आवाज में मत बोलिए, उसी बीच में वो खड़े हो गए। फिर मैंने बोला सांसद जी से कि भाई वो हम उनको समझाएंगे, वो हमको समझाएंगे। इसी बात पे सांसद जी को बुरा लग गया कि तुम समझाने वाले हो हमको, तुम समझाने वाले हो, तुम्हारी औकात है, लगे अशब्द बोलने, भगो यहाँ से। तब तक ये बात बोले तो हम बोल दिए कि भाई कौन यहाँ से भगेगा, कौन रुकेगा, वो समय बताएगा। इसी बीच में सांसद जी ने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। उसके बाद से मुन्ना सिंह ने उसके बाद से हाथ छोड़ दिया, मुन्ना सिंह छोड़े। उसके बाद से अन्य लोग उनके साथ, रंजय और तमाम उनके ड्राइवर और एक आशीष मौर्य थे, ये लोग भी हाथ छोड़ दिया हमको। तीन चार लोग मिल के लगे मारने हमको। तब तक मुन्ना सिंह ने पिस्टल निकाल दिया और लगा के और कहा कि इसको लेके चल घर में बंद करो। इसको लेकर पार्षद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रक्षा करने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सभासद आशुतोष तिवारी ने कहा है कि मैं विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बूथ अध्यक्ष भी हूं। उन्होंने कहा कि जो सभागार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनना था उसे अब दिवंगत सांसद मोहन सिंह के नाम पर बनाया जा रहा है, जबकि वाजपेयी के नाम से सभागार के निर्माण का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर बीजेपी आलाकमान क्या रुख अपनाती है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।